जो जिसकी थी उसको तो न पाया हमने, इस बहाने से मगर देख ली दुनिया हमने, जुस्त जो everyone, welcome back to my channel. Those who are viewing me for the first time, thank you so much and don't forget to subscribe please. और जो लोग मुझे subscribe कर चुके हैं और वो लोग फिर से मुझे अपने प्यार मोहब्बत से देख रहे हैं, welcome back to my channel Love and Light with Mala. Sky is so beautiful. अभी बज रहे हैं शाम के 7:45. आज की शाम बट क्या है इतना खास, देखिए वही वाले स्प्राउटेड चने, झालमुड़ी 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 झालमुड़ी, अरे ये कहाँ आ गए भाई, कल तक ये बालकनी तो बिल्कुल वीरान वीरान, और अब कैसी हो गई, बाहर आ गई। कनाडा में आके पहली बार इस बालकनी को किया मेकओवर, इस बालकनी ने मुझे बहुत 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 स्वीट यादें दी हैं। आप जाके वो थोड़ी थोड़ी सी छोटू छोटू सी झलक देखिए, फिर मैं आपको बताती हूँ कैसे क्या हुआ। गणपति बनाने से लेकर प्यारा इंद्रधनुष, साथ में क्रिसमस में बर्फ से खेलना और स्नोमैन बनाना, और भी क्या क्या नहीं किया इस बालकनी में। अच्छा बताइए तो बालकनी को एक रूम क्यों नहीं बोला जाता, इसमें तो कई कमरे कई यादें जुड़े रहते हैं। ये देखिए इस तरह से आइस कॉफी आपने कभी बनाई है, जरूर ट्राई करिएगा, देखिए कितनी बर्फ थी। और ये देखिए मेरी खिड़की से सीन, जब दुनिया बनाती है स्नो फेरीज और स्नोमैन, माला बनाती है शिवा। देखा ना कितनी प्यारी प्यारी हम लोगों ने यहाँ पे एक्शन की है, एंड द शिवलिंग वाज द अल्टीमेट। मुझे लगता है इस साल का लास्ट स्नो था ना, वो उसके बाद स्नो हुआ नहीं। यार मजुमदार और बहक दोनों का ऐसा है ना, दे नो माई लाइकिंग। जैसे कभी मैं लो फील करती हूँ या मेरा अगर सर्वर भारी होता है तो महक गुलजार के गाने लगा देती है। यार मजुमदार मुझे कॉफी बना देते हैं, कॉफी इनों से बहुत मेहनत हो रही थी व्लॉगिंग के लिए, तो थोड़ा सा नींद वींद भी कम हो रहा था, तो एकदम यार मजुमदार ने कहा चल तेरे को जगह ले चलता हूँ। मैंने कहा कहाँ ले चलोगे, अभी सुबह के 10:30 बज रहे, चल ना चल सब लोग चलते हैं। तो और गए और उन्होंने मुझे कहा तू मेट्रो से कुछ ग्रोसरीज ले, मुझे थोड़ा सा काम है फिर चलते हैं। और मैं मेट्रो से ग्रोसरी क्या लूँ, वहाँ पर तो इतने सारे प्लांट्स थे, आपको तो मालूम ही मेट्रो मतलब मेरे लिए प्लांट। तो उन्होंने मुझे कुछ प्लांट्स वगैरह खरीद के दिए। एक नहीं दो नहीं तीन नहीं चार फैंटास्टिक गिफ्ट दिया है, ये सुपर हैप्पी। ग्रोसरीज लेकर मैं घर में तो आ गई, लेकिन मन जो था ना पेड़ों से इतना अपलिफ्ट हो गया था। तो आपको आज ग्रोसरीज में बस ये भुट्टा बन मिर्ची, इन लोगों के लिए फ्रोजन योगर्ट, और भी हाँ और मेरी कॉफी तो आएगी। और पता ये पुराने जमाने का पॉपिंस जैसा ना ये भी मिल गया था, साथ में थोड़ा स्वीट चेरीज, किटकैट महक की फेवरेट वो सब ले ली। लेकिन ये सब छोड़िए, आप देखिए ये Isn't they are amazing? देखिए आई भी कितने प्यारे, और ये तो पिक किए है ना डंडेलियंस वो, और ये भी कमाई थी, और ये प्यारा कलर वगैरह खरीद के दिए। यू नो ये छोटी छोटी सी बातें हैं, अप्रिशिएट समवन्स एफर्ट, टू रिकॉग्नाइज समवन्स एफर्ट। तो मैं इतनी खुश हो गई इंस्टेंटली, फिर महक ने आके मेरा दिमाग खाना शुरू कर दिया, मम्मा चलो ना बालकनी का कुछ करते। मैंने कहा नहीं महक इस साल छोड़ दे, देखेंगे। तो फिर कल पराठा वगैरह हो गया, व्लॉगिंग ये हो गया, उसके बाद तो वो एकदम सीरियस और यार मजुमदार भी पीछे पड़ गए। तो मैंने कहा यार 3 दिन का लॉन्ग वीकेंड है, मैं क्या यही करूँ। लेकिन वही बोलते ना जहाँ चाहा वहाँ रहा, मैं आपको अच्छे से सब दिखाऊंगी। एवरी थिंग इज DIY, वॉट एवर इज डेकोर आइटम, बाकी तो कुशन्स वगैरह रख दिए हैं। तो अब आप जाके देखिए कि वो क्या चीज था, और मैंने बस थोड़ा सा कुछ बदलाव किया क्योंकि मेरे ट्विंस भी हैं, वो लोग आके ऐसे खेलेंगे। मैंने बहुत सारा बहुत फैंसी नहीं रखा है या बहुत सारे पेड़ रख दिए मैंने, नहीं क्योंकि इनको खेलना भी है
और हम लोग को थोड़ा कोजीनेस चाहिए। आप पहले देखिए कि पहले क्या हालत थी और अब उसके बाद मैं दिखाती हूँ। देखिए ये सुंदर बालकनी जो थी ना, ये सुबह तक ऐसी नहीं थी। इसकी हालत जो थी बहुत ही खराब थी। जस्ट कपड़े सुखाने के लिए मैं आती थी, ये देखिए कुछ भी नहीं था। ये कपड़े सुखाने का रैक इस साइड था और कुछ खाली पॉट थे जिसमें कि पेड़ नहीं थे। तो सबसे पहले टायर में इस तरह यार मजुमदार ने गरम करके स्क्रू ड्राइवर छेद किया, क्योंकि इसमें मैं रियल पेड़ लगाऊंगी। इसके बाद देखिए यही सब यहाँ पे खाली पड़े रहते थे, टब एंड ऑल। तो मैं सोच रही थी कैसे क्या करूँ, तो मैंने सबसे पहले ये जो कपड़े सुखाने का रैक है इसको इस तरफ कर दिया, एक कॉर्नर में कर दिया। और फिर मैं जहाँ पे ये पहले हुआ करता था मैं उस तरफ आई और उस जगह की मैंने अच्छे से सफाई की। वो कोने वगैरह में भी ना बहुत सारा धूल वूल जमा हुआ था, ये देखिए। और ये नवरात्रि के जौ थे जो कि देखिए ये मिट्टी के साथ मिलके अच्छा मैन्योर खाद हो गए। अब मैं इनको ना कुछ कुछ पॉट्स में डाल दूंगी। और बाकी ये सब कचरा था जो कि मैंने अच्छे से झाड़ू वगैरह लगाकर इसको साफ किया। यहाँ पे मैंने वैक्यूम नहीं किया था। और यहाँ पे ये जो डिवाइडर मेरे पास था इसको मैंने कोने में सजा दिया। अब मैं पूरे बालकनी को अच्छे से मैंने झाड़ू लगाया। उसके बाद अब मैं इसको पोंछूंगी भी, ताकि जो उड़ती हुई मिट्टी है वो भी सब चली जाए। यहाँ पे भी मैंने मॉप नहीं किया, हाथ से ही मैंने पोंछा लगाया। फिर एक एक करके रग, स्पेशली इनका जो ये हॉपस्कॉच वाला रग इनको बहुत पसंद है, वो वाला दिया ताकि ये लोग खेल भी पाए। देखिए ट्विंस, वो लोग भी कैसे हेल्प कर रहे हैं। ये देखिए अब मैं इसमें लाइट्स लगा दूंगी। ये मेरी क्रिसमस लाइट्स थी, बट आई नीड टू गेट सम मोर लाइट्स। बट यार मजुमदार फिर कहेंगे और लाइट्स, और तुझे कितनी लाइट्स चाहिए। देखिए एक एक करके मैं कुछ कुछ चीज़ें लाकर हम लोग रखने लगे। और ये मेरे पास एक खाली फ्रेम घड़ी का कांच पड़ा हुआ था, वो घड़ी को मैंने फेंक कर इसके ऊपर मैंने इस तरह से हेलो स्प्रिंग लिख दिया। पहले मैंने सोचा वेलकम ऑल लिखूं, फिर मैंने कहा नहीं, हेलो स्प्रिंग लिखती हूँ एंड देन आई कैन डिलीट इट अगेन एंड वॉट एवर आई वॉन्ट टू राइट आई कैन राइट। तो बताइएगा कैसा लग रहा है। और जिन्होंने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल, थैंक यू सो मच। ये देखिए स्प्रिंग लग रहा है ना, बसंत बसंत जैसा एकदम। देखिए हेलो स्प्रिंग लिख दिया है। और कुछ पत्ते ये रियल थे, इनको भी मैंने हॉट ग्लू से लगा दिया है। और कुछ फ्रिज मैग्नेट्स थे, एक पाइन था उसको भी चिपका दिया है। कुछ कुशन्स और बोहो जो जूट मेरे पास एक स्टूल है उसको रख दिया। और इस तरह से एक रेनबो वाइब्स, गुड वाइब्स बना दी एंड आई एम ऑल डन। देखिए इस तरह से मैंने बहुत कम चीज़ें रखकर ही अपना होम बालकनी डेकोर किया है, देखिए। और ये थोड़ी सी और मेरे पास क्रिसमस लाइट्स थी, उनको मैंने रेलिंग में इस तरह से लगा दिया। लाइट्स लगाने से ना बहुत अच्छा इम्पैक्ट आ जाता है। सो सुबह से जो लगी थी शाम को 6:30 तक डन। बाद में मिलती हूँ, रेडी हो लूँ उसके बाद, बालकनी रेडी हो गया। आइए अब आपको मैं एक डिटेल टूर अपने बालकनी का देती हूँ। देखिए ये वाला एक ऐसी था बेकार का एक लेफ्ट ओवर शेल्फ पीस। तो यहाँ पे मैंने बोहो का अगेन वन लाइनर बना के इस तरह से, यस वी मजुमदार्स आर ऑसम, सो वेलकम वेलकम वेलकम। ये यहाँ पे एक आईवी का मैं उसे लेकर आई, आपने देखा ना मैं क्या क्या प्लांट्स लेकर आई। और यहाँ पे ये पता है यहाँ पे इनको पैम्पस ग्रासेस बोलते हैं। ये एक बॉटल है, यहाँ पे मैंने मेरे फेवरेट कैक्टस ड्रॉ किया हुआ है विद शार्पीज किया है। देन आपको याद है ये ईस्टर लिली, हाँ वो वाला व्लॉग याद आया ना, देखिए ये वही पेड़ है। देन आई हैव गॉट हियर मनी प्लांट्स, स्क्रूटॉन्स, यहाँ पे मैंने कैंडल रखा है। ये वाला फ्लावर आपने देखा ना यार मजुमदार ने मुझे गिफ्ट किया था। ये कुछ पाइन्स रास्ते से मैं कलेक्ट करती रहती हूँ, वो मैंने रख दिया यहाँ पे, थोड़ा शब शाम होगा कैंडल जलेगा। फिर देन आई हैव गॉट हियर मॉन्स्टेरा, यहाँ पे कैंडल रख दिया है। यहाँ पे ये टॉर्टोइस बटरफ्लाई डैफोडिल्स बना हुआ है। देन हियर आई हैव गॉट माई पिकनिक बैग हियर, अभी जाएंगे हम लोग, थोड़ा सा और स्प्रिंग होएगा फिर जाएंगे। इसमें हेलो स्प्रिंग लिख दिया है। और ये एक छोटा सा टायर था, इसको अभी मैं करूंगी, ये मैंने अभी किया नहीं है, कल करती हूँ। इसमें मिट्टी भर के रियल मनी प्लांट्स लगा दूंगी। यहाँ पे मेरा ये क्रिसमस का रेथ था, इसको भी मैंने लटका दिया है। और यहाँ पे चिल चिल चिल, एंड ये तो वही वाला DIY है, बी हैप्पी, मैंने यहाँ रख दिया है। नीचे ये फ्लोर कुशन, ये भी DIY है, DIY। सो बस इस तरह से मैंने कर दिया। मैं वो चीज आपको जरूर दिखाऊंगी इस बालकनी में, मुझे लगता है द मोस्ट फेवरेट थिंग, मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग रादर। इस वाले के खुशी के पीछे आप अब ये देखिएगा कि ये क्यों मुझे इतना प्यारा है। Yes, yes.
आपने ट्विंस के छोटे छोटे हाथों ने वो जो स्प्राउट्स वाले चना है ना वो लगाए थे, और ये बाकी का मेरे माइक्रो ग्रीन्स दिस वन या ये देखिए दिखा रही है से मैंने ये डेकोर किया है, अपने हिसाब से सजाया है। आपको इसमें कुछ भी अच्छा लगा तो दे दीजिएगा लाइक, और अब वेट करते हैं कि दिन ढल जाए। तो उधर वो वाला गाना याद आ रहा है, ढल गया दिन हो गई रात, जाने दो जाना है। मेरा कैमरा मैन भी गा रहा है मेरे साथ। तो ढल गया दिन, लीना चंद्रवालकर की तरह बैडमिंटन नहीं खेलेंगे हम लोग, बैठ बैठ के गाने वाने गाएंगे। उसने एक और स्प्राउट रख दिया, उसको क्या लग रहा है स्प्राउट रखने से हो जाएगा पेट। सो स्वीट। तो आप लोग भी इस तरह से अपने छोटे छोटे बच्चों को अपने घर के DIYs में प्लांटर्स में प्लांट सो करने में जरूर शामिल करिएगा। लकी बैम्बू वाला व्लॉग याद है ना, मैंने कहा था एक बनाना रिपॉटिंग वाला प्लांट करती हूँ, तो वो हो गया है। देखिए इस तरह से मैंने इसको येलो कलर कर दिया है, बिकॉज केले के जड़ की पूजा जो है हम लोग हल्दी से करते हैं, चने की दाल से करते हैं, तो हल्दी मतलब येलो। और इस तरह फिर मैंने इसमें माँ लक्ष्मी का जो चिन्ह है स्वास्तिक का, स्वास्तिक लगा दिया है, और यहाँ पे मैंने एक हल्दी की गांठ भी बांध दी है। तो ये सब चीज घर में करके ना मेरे को बहुत सेटिस्फेक्शन मिलती है, शांति मिलती है। कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। टेबल्स है जो कि ट्विंस लोग पहले कलर कर रहे थे, फिर मुझे क्या लगा मैंने कहा चलो यही से वैसे करके ड्रॉ कर देती हूँ। तो अभी तक कैसा लगा मुझे बताइए, बालकनी ठीक ठाक लग रहा है ना, मुझे फीडबैक जरूर चाहिए आप लोगों से। लगता है ना कोई एकदम वॉलपेपर जैसा। ग्रैटिट्यूड बालकनी मेकओवर का खुशी इसलिए और ज्यादा है कि ये वेदर जो है ना, हम यहाँ जो कनाडा में जो रहते हैं, जो मेरे कनेडियन फ्रेंड्स हैं वो लोग भी बिल्कुल ये करेंगे मेरे साथ सहमत कि हम लोगों को ये वेदर बहुत कम टाइम के लिए मिलता है पूरे साल, हम जो है बगैर जैकेट के बगैर बूट्स के घूम सके। और उसमें बालकनी इतना सुंदर हो गया है कि मैं बालकनी में बैठ बैठ के ही मैं कॉफी पी रही हूँ और बातचीत हो रहा है, गाना वाना गाया जा रहा है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। बस वेटिंग चल रही है कि कब आज संध्या होगा और यहाँ पे हम लोग बैठ के आप लोगों से बात करेंगे। लेके प्रभु का नाम म, म जल्दी तुम सोचोगे नहीं, जल्दी अच्छा हो तो बेहद हसी। आई नो दैट हसे बुरे हम भी नहीं। मम्मी तेरी अच्छी है कितनी भोली भाली है, पापा भी तो अच्छे हैं कितने प्यारे प्यारे हैं, है ना बोलो बोलो नंदू बोलो बोलो। इस तरह से अंताक्षरी खेलते हुए हो गई सांझ। तो आनंद का वो वाला लाइन याद आ रहा है ना देखकर, सांझ की दुल्हन जब बदन चुराए। देखिए लाइट्स कितना सुंदर लगता है। आज हम सबको पिकनिक वाली फील आ रही है, लगी नहीं रहा है कि रात के सवाना हो रहे हैं, डिनर टाइम हो गया है, कुछ पिकनिक अब बना लेती हूँ रात का डिनर, फिर आपसे मिलती हूँ। एक चांद वहाँ और एक चांद, इतनी सी हंसी इतनी सी खुशी, इतना सा टुकड़ा चांद का, खाओ के दिन को से चल बनाए आशिया। तो इसके साथ अब चलती हूँ, जाने की बारी आ गई है। आज बहुत कुछ धमा चौकड़ी हो गई आप लोगों के साथ, अब थोड़ा सा खाना खा लूँ, थक भी गई हूँ, लेकिन फिर अगले व्लॉग में मिलते हैं इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। सो जाते जाते फिर वही बात,
पहले अपने लाइफ में लव एंड लाइट बिखेरिए, फिर दूसरों के लाइफ में। टिल देन टाटा बाय 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 बाय, बहुत खुश रहिए लव एंड लाइट में। विटामिन बी भी तो जरूरी है। कौन सा वाला? अरे भाई विटामिन बालकनी।